किसानों को कर्ज माफी को लेकर सीएजी की जो रिपोर्ट है उसने संसद में नया हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर आज सुबह से जबरदस्त हंगामा जारी है। इस मुद्दे पर बहस के लिए बीजेपी और लेफ्ट ने आज प्रश्नकाल स्थगन की मांग की थी। ये मांग जब नहीं मांगी गई तो दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। 12 बजे तक स्थगित किया गया दोनों सदनों को। सदन जब दोबारा शुरू हुए तो फिर से बवाल शुरू हो गया। सबको अपनी बात रखने को कहा गया तो विपक्ष ने इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने विपक्ष की मांग पर कहा कि सीएजी की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेज दी गई है, रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इतना गंभीर विषय, किसानों से संबंधित विषय। एक तो किसान वैसे ही अपनी 50 समस्याओं को लेकर होता रहता है, लेकिन ये जो सरकारी खजाने से राहत उसको मिलनी थी वो राहत भी उसे नहीं मिली और बीच के लोग खा गए। इसलिए मैंने कहा कि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। तो बात माननीय सांसद कह रहे हैं, अगर राज्य सरकारें इसमें दोषी हैं तो जवाब में सरकार कह देगी। आप अभी क्यों उतावले हो रहे हैं? इतने किसानों का पैसा खा गए लोग, आपको हमारे साथ परमेश्वर मिलाकर लेना चाहिए। इधर हंगामा ये भी रहा कि किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं करती सरकार। उद्योगपतियों के 7.95 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं? किसानों का 72,000 रुपये के कर्ज माफ थे, उसमें यूपी सरकार में सीएम गहलोत ने कहा कि जो पीएम मोदी हैं उनको पत्र लिखकर अवगत कराया कि राष्ट्रीयकृत बैंक के किसानों को तोहफा दे।